फिरोज खान जी मेरे बड़े भाई, मेरे एडीसी मैम मक्तार अली जी, बाकी मेरे प्यारे बुजुर्गों भाइयों, सबसे पहले जो बर्निंग इशू है हमारा आज का, उस पर मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, से यूथ कांग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं मेरा इस बार यूथ का जो 10 सालों में जो बेड़ागर किया है सरकार ने, उस पर कुछ लाइनें अर्ज करूं। जम्मू कश्मीर के यूथ की दर्द भरी कहानी है। हमने बहुत मेहनत की थी अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए, पर हमारे मुस्तकबिल को बर्बाद करने के लिए बीजेपी के कुछ गुंडों की बहुत बड़ी मेहरबानी है। देखिए भाइयों, प्यारे दोस्तों, हमें जो वोट करना है, हमें किसी जाति धर्म या किसी कास्ट पे वोट नहीं करना है। हमें ना तो हमें कोई मस्जिद के लिए मोदी चुना है और ना मुझे कोई मंदिर के लिए पंडित चुना है। मुझे चुना तो पावर लेकर चुना है। अगर मेरे पापा भी इलेक्शन में लड़े ना, खड़े हो जाएं, अगर वो उस काबिल नहीं है तो मैं उन्हें वोट नहीं डालूंगा। मुझे पावर लेकर जोर की आवाज को ऊपर तक ले जाए, और हमारी आवाज यहाँ दबाई जा रही है। 10 साल से हमारे ऊपर डिक्टेटरशिप है, तानाशाही बोलते हैं इसको। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, हमें इस अंग्रेजी में खास करके ख्याल रखना है। ये अंग्रेजी हमारा मुस्तकबिल फ्यूचर लिखती है। एग्जाम में भी इसी अंग्रेजी से हमारा फ्यूचर लिखा जाता है, और वोट डालते वक्त भी यही अंग्रेजी हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। तो हमें इस अंग्रेजी का खास करके ध्यान रखना चाहिए। और अंत में ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। देखिये जब रामायण का युद्ध हुआ था, तो उसमें रावण जी जब हार गए, तो उनसे पूछा गया कि आपके हारने की मेन वजह क्या थी। तो रावण जी बोलते हैं, मरते दम उनको जब आखिरी सांसें गिन रहे थे, तो उनको पूछा कि आपके हारने की वजह क्या थी। तो रावण जी बोलते हैं कि बाकी तो बहुत सी वजह थी, पर उसके पीछे एक सबसे मेन वजह यह थी कि जो रावण का जो मेरा भाई भविष्य था वो मेरे खिलाफ था, और जो राम श्री रामचंद्र जी का भाई था लक्ष्मण, वो उसके साथ था। यहाँ भी सेम वैसी ही कहानी है, उनका भाई उनके खिलाफ है, अपने भाई के साथ है।